नमस्कार, नीताज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको मैं पनीर से बनाऊँगी। मिक्स वेज पनीर बॉल्स को बनाने के लिए मैंने 1 कप पनीर को ग्रेट करके लिया है, कुछ वेजिटेबल्स काट कर लिए हैं, प्याज काटा है मैंने, 1 प्याज बारीक काट कर लिया है, थोड़ी गाजर को ग्रेट करके लिया है, शिमला मिर्ची बारीक काट करके लिए, हरा धनिया, अदरक इसको ग्रेट करके लिया है, 1 हरी मिर्ची बारीक काट कर ली है, चिली फ्लेक्स लिया है 1/2 चम्मच, चाट मसाला पाउडर लिया है 1/4 चम्मच और काली मिर्ची पाउडर 1/4 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार 2 चम्मच, कॉर्नफ्लोर, ब्रेड क्रम्स बना कर लिए हैं, 2 ब्रेड को मैंने मिक्सर में पीस करके और उसके क्रम्स बना कर लिए हैं, 2 चम्मच मैदा लिया, उसमें 1 चुटकी नमक डाला, उसको पानी से थोड़ा पतला घोल करके तैयार कर लिए। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में पनीर को डाल लेंगे। कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, मिक्स कर दूंगी। गाजर, शिमला मिर्ची, प्याज, हरी मिर्ची, अदरक और हरा धनिया, अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेने के बाद में अब मैं इसमें चिली फ्लेक्स, चाट मसाला पाउडर और काली मिर्ची डाल देती हूँ, साथ ही स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिए। अब इस मिक्सर को हाथों की सहायता से गूंथते हुए इकट्ठा कर लूँगी। सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए मैंने इसे डो जैसा बना लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे, इसमें से छोटा सा पोर्शन लेंगे, हाथों की सहायता से उसे गोल कर लेंगे जिस प्रकार से। इसी प्रकार से सभी को बनाकर तैयार कर लूँगी। मैंने पनीर के मिश्रण के सभी बॉल्स बना करके तैयार कर लिए हैं। अब एक पनीर का बॉल लेंगे और उसे मैदे के मिश्रण में डिप करेंगे। ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, इस तरीके से तैयार कर लेंगे, प्लेट में रखते जाएंगे, इसी प्रकार से सभी को कर लेंगे। मैंने सभी पनीर बॉल्स को मैदे के मिश्रण में कोट किया, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट करके तैयार कर लिया है। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे
जिसके लिए मैंने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। तेल गर्म हो गया है, मैं पनीर बॉल्स को इसमें तलने के लिए डाल देती हूँ। मैंने पनीर बॉल्स तलने के लिए डाल दिए हैं, इन्हें पलट पलट कर दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन कर करके तैयार कर लूँगी। अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक और क्रिस्प होने तक मैंने इन्हें तल लिया है। मैं ये निकाल लेती हूँ और इसी प्रकार से बाकी के भी तलकर तैयार कर लूँगी। मैंने बचे हुए पनीर बॉल्स भी तल करके तैयार कर लिए, इन्हें भी मैं निकाल लेती हूँ। गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इन्हें सर्व कर लेती हूँ। मैंने वेजिटेबल पनीर बॉल्स को सर्व कर लिया है। इसे आप हरे धनिए की चटनी या सॉस या अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप भी इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।